बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सह आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ जाने की बात कही है। तेजस्वी यादव देवघर में बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अपनी पार्टी की रणनीति का खुलासा कर रहे थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी ने कहा कि देवघर उनकी पार्टी के लिए परंपरागत सीट रही है, ऐसे में इस विधानसभा सीट पर सुरेश पासवान चुनाव लड़ेंगे। पार्टी कितने सीटों पर महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी ये बाद में तय होगा। तेजस्वी ने झारखंड में चल रही एनडीए सरकार पर भी निशाना साधा। रघुवर सरकार को जनता ने नकार दिया है, आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता महागठबंधन का साथ देगी। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने जनसंपर्क यात्रा के दौरान जब गोड्डा में थे तो वहां 5 घंटे बिजली गुल रही, ऐसे में इस बात का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य में विकास को किस पैमाने से आंका जा सकता है। आशीर्वाद देना जरूरी था और देवघर आकर के आप जानते हैं देवघर जो है राष्ट्रीय जनता दल का परंपरागत सीट ही नहीं बल्कि यहाँ मजबूत स्थिति में हमारे पूर्व मंत्री सुरेश पासवान जी लगातार जो है 3 टर्म विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और पार्टी जो है अच्छी स्थिति में है, हर एक चुनौतियों का मुकाबला करते हैं। देवघर आकर के जो संकल्प सभा है, यात्रा है, इसके बाद गुड्डा है, तो देवघर आकर के अगर बाबा का आशीर्वाद ना लिया तो उसका यात्रा का कोई महत्व नहीं रहेगा। ब्यूरो न्यूज़ सबरंग समाचार।